C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ध्यान से प्लीज आप पाओ। डोंट वरी, आ गया। तुम भी जानते हो कि प्रज्ञा कैसी औरत है। जैसी भी है ना, तुम्हारी जैसी नहीं। किसी और से शादी करके उसने मुझे धोखा नहीं दिया जैसे तुमने दिया था। तो याद दिलाओ, निखिल के साथ तुम्हारा रिश्ता। जहां पर तुम निखिल के नाजायज बच्चे को मेरे गले डालना चाह रही थी। अपन बस सैड हो ना? नहीं तो आप हो, आप बाहर से खुश हो, अंदर से सैड हो। आपको कैसे पता कि प्रज्ञा मेरे साथ नहीं? प्रज्ञा नहीं बताया अभी। अभी बता दी थी मुझे कि उसकी दूसरी शादी हुई है और जो बच्चा है वो उसके दूसरे हस्बैंड का है, आपका नहीं। ये स्कूल में चीफ गेस्ट सिर्फ आप ही हैं? अभिषेक मेहरा भी आ रहा है, हम दोनों को चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया। अब मैं सुपरमैन से पूछूंगी सबसे ज्यादा प्रिटी कौन लग रहा है, मैं या मम्मा। ये गई है प्रिटी क्वींस की फोटो। तुम ठीक तो हो ना किरण? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगी। कभी जीजू तुम्हारे साथ बैठे हैं, प्यार से बातें की हैं? उठना बैठना तो दूर, तुम्हारे साथ तो वो रूम भी नहीं शेयर कर। दिशा, शादी हो गई ना तुम्हारी, अमीर हस्बैंड मिल गया ना तुम्हें, अब क्यों मेरे अभी के पीछे पड़ी हो तुम? चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? मुझे मेरी मम्मा ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं आपके साथ ही रहूंगी मम्मा। अब जाके मेरी टीचर से कह दो कि हम दोनों घर जा रहे हैं। मम्मा, ये मम्मा कैसे बुला रही है? मम्मा, आपको मेरा प्ले कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा किया आपने। अपने मम्मी डैडी को लाने के लिए लेकर आई तो ठीक, लेट हो गया तो स्टेज पर तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। यहाँ तो फैमिली रियूनियन होने वाला है, क्या करूँ? इन्हें अगर स्टेज पे पता चला कि कियारा मेरी बेटी है तो शायद सबके सामने बोल देंगे कि वो कियारा के पिता है। लेकिन अगर मैं खुद इन्हें जाकर बताऊँ कि कियारा मेरी और मिस्टर सिंह की बेटी है तो शायद बात संभल जाएगी। तो सिंह बहुत अच्छे इंसान, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, वो केयर करते हैं मेरी, और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, उनकी केयर करती हूँ। प्यार करती हैं? थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम एक नंबर के इडियट हो। भाई को जिससे दूर रखना था तुमने उसी के साथ उनको अंदर बंद कर दिया। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें अंदर बंद कर दिया। पहले मुझे बंद किया था, तुम्हें भी बंद कर दिया। तुम कौन करेगा इस स्कूल में? टीचर स्टूडेंट्स के अलावा होता कौन है? तो क्यों? डैडा, मम्मा अभी तक नहीं आई। So what? डैडा है ना? पिछले साल का कंपटीशन टफ था, लेकिन इस साल का कंपटीशन थोड़ा ज्यादा ही टफ हो गया। सब बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मेरे नजर में सब लोग विनर्स हैं। मैंने फोन किया था बेटा, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं बेस्ट विशेस सब बच्चों को दे सकती हूँ, लेकिन ट्रॉफी किसी एक को ही दे सकती हूँ। लेकिन अपना दिल छोटा मत करना। जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिला या जिन बच्चों को ट्रॉफी नहीं मिला, उन्हें गिफ्ट और चॉकलेट्स मिलेगी। नहीं दादा, मुझे चॉकलेट और गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। Yes. डैडा आपको ही कॉफी देने वाले हैं, और वो इसलिए नहीं बिकॉज डैडा लव्स यू, बिकॉज योर प्ले वाज फैंटास्टिक। पापा, यू थिंक मुझे ट्रॉफी मिलेगी? आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आई एम श्योर कि ट्रॉफी आप ही को मिलेगी, है ना? प्रज्ञा दी यहाँ नहीं है,
इसका मतलब वो जीजू के साथ ही होंगे, क्योंकि ये दोनों तो कियारा का फंक्शन किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते। और हो सकता है अकेले कहीं पुराने किले शिकवे मिटा रहे हैं। अच्छा है, पुरानी बातें भूल जाएंगे ना तो एक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तनु भी यहां नहीं है, वो यहां क्यों नहीं है, कहां चली गई होगी? तनु, तुम यहां वहां कहां टहल रही हो? तुमको तो एटलीस्ट वहां पर होना चाहिए। तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अगर भाई मिसिंग होंगे तो तुम्हें देख के लोग थोड़ी बहुत शांति रखेंगे। आया प्लीज मुझे जान मत दो, मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी यार। ये क्या तुम इशारों में बातें कर रही हो? तुम थोड़ा सा तो क्लास रखो, भाई की इज्जत का ख्याल रखो, इज अ रॉक स्टार। अरे वहां से क्या इशारा करो, यहाँ पे आओ। काम हुआ? ये हमारे साथ है, क्या वो बताओ? मैम हो गया, मेरे पैसे। अभिषेक प्रेम मेहरा को तुमने बंद कर दिया? अरे मैम, आदमी को ही तो कमरे में बंद करना था, किसी शेर को थोड़ी ना पिंजरे में बंद करना था। गुड जॉब। चलो, सी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी, अब सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपने मिस्टर अभिषेक मेहरा को देखा? मैम एक मिनट, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अरे आलिया, ये छोटी सी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा काम करो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है ना। मेन बात ये है कि हमारा काम हो गया, अभी स्टोर रूम में बंद है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो है। यू नो व्हाट, यू डिजर्व मोर, तुम्हें थोड़े और पैसे मिलने चाहिए, बड़े काम के बड़े पैसे। सो एक सेकेंड, पैसे बाद में गिनना, पहले मुझे ये बताओ कौन सी छोटी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे तुम? अरे वो किंग सिंह की जो वाइफ है ना। क्या? हाँ मैम वही, वो मुझे मिल गई थी। The results are ready, और इस envelope में जिस बच्चे का नाम है। कुमकुम भाग्य में इस मंगलवार देखिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। प्लीज सॉरी, मैं आपको बता ही नहीं पाएगी हमारी 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 प्रज्ञा। शादी, इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है, अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मुनीषा ने तुमसे रोका करने के लिए हाँ कर दी और एक मैसेज भी देने के लिए कहा कि वो लूथरा फैमिली की बहू बनना चाहती है। इश्क सुभान अल्लाह के मंगलवार के एपिसोड में देखिए। दोनों की वजह से उसने शादी की, तुम दोनों उसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के लिए, हम वहां जाकर उत्साह को मुसीबत से निकालेंगे। वेदिका मांगेगी जवाब अपने सवालों के। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? इस बात का सबूत है मेरे पास कि वेद मेरा बेटा है। कटघरे में है इस गहरे राज को दबाने के जुर्म में बड़ी अम्मा, साहिल और भूमि। आप में से कौन था जिसने ये साजिश रची? क्या होगा परिणाम जब खुलेंगे राज अतीत के? जानिए मंगलवार रात 10:30 बजे।